कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय लोकदल की मांग पर भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान द्वारा लगाई गई मोहर को भाजपा के तमाम दिग्गजों ने सिर्फ नकार दिया है, बल्कि यहां तक कह दिया है कि जिस तरह से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ती जा रही है, यदि भविष्य में ऐसा होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला का कहना है कि समूचा उत्तर प्रदेश ही हमारी शान है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा है कि बेहतर रहेगा कि पश्चिमी यूपी को दिल्ली से जोड़ दिया जाए। दरअसल मेरठ में हुए अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा था कि पश्चिमी यूपी की आबादी 8 करोड़ है। इसे अलग राज्य बनाने की वकालत करते हुए संजीव बालियान ने कहा था कि जिस दिन पश्चिमी यूपी अलग राज्य बन जाएगा, यह देश का सबसे अच्छा व समृद्ध राज्य होगा। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराले ने यह कहा। लंबे समय के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग राज्य की मांग को हवा दी गई है, ये बिल्कुल निराधार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात जो है वो बिल्कुल विपरीत है और संपन्न प्रदेश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यहाँ की संपन्नता के साथ साथ में एक दूसरा जो यहाँ का एक माहौल है, आप देखते चले कि मेरठ में भारी संख्या में जो समीकरण है एक समुदाय का, या फिर मुजफ्फरनगर है, या फिर सहारनपुर है, और बिजनौर है, मुरादाबाद है, अमरोहा है, संबल है, और आपका रामपुर है, आदि राज्यों की जब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एक समुदाय बहुत बहुल है। अगर यहाँ अलग राज्य की बात करते हैं तो उसके भविष्य में दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो अलग राज्य का नहीं, ये समूचा उत्तर प्रदेश ही हम सबकी शान है उत्तर प्रदेश। वहीं सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम का यह कहना है। देखिए, मेरा कहना यह है कि हम इस तरीके की बात करके पता नहीं क्या आज जब देश और दुनिया में अभी हमारा G20 में जो पूरा डंका बजाया है पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी दुनिया में चर्चा है कि इतना भव्य आयोजन, और जिसमें दिखा दिया दुनिया को कि हम में क्षमता है, और हम उसके बावजूद बात करें कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बना दे वो बना दे। अरे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका में 70-80% है। आप यहाँ क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी NCR के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृद्ध प्रदेश बना के उसमें जोड़िए जाए। ना अलग हाईकोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ेगी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते भी यही हैं। अब वो अपना बयान दे रहे हैं, ये किसी पब्लिक का बयान नहीं है। तो क्या लगता है बयान पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बिल्कुल उनके बयान से एकदम सहमत नहीं हूँ, और चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ, मैं जानता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी कोई नहीं चाहता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से प्रदेश बने। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को आप कोई नसीहत देना चाहते हैं? नहीं, मैं उनसे मिलेंगे तो बात करूंगा। मेरी पार्टी के मेरे साथी हैं तो उनसे बात करूंगा कि भाई आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के खिलाफ है, और हम लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकते। अब ये तो उनकी मंशा है, मेरी बात नहीं हुई होगी, वो मैं पूछ के बताऊंगा आपको। अच्छा, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर बन जाता है तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी जी की, उसके ऊपर भी कुछ फर्क पड़ेगा इससे क्या? देखिए, सरकार के ऊपर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सोच के देखिए ना कि हम किस तरीके का प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर हम प्रदेश की तरक्की चाहते हैं, हम छोटा प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो हमें मांग ये करनी चाहिए कि हमें दिल्ली को बड़ा करके वृद्ध प्रदेश बना के हमारे NCR के जिले दिल्ली में जोड़ने चाहिए। दिल्ली में जुड़ने के बाद पश्चिम का विकास भी होगा, और दिल्ली हमारी राजधानी, देश की राजधानी, हमारे प्रदेश की राजधानी होगी। तो हमें दिल्ली की मांग करनी चाहिए, ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग करनी चाहिए। अगर इस तरीके का कोई कदम उठता है पश्चिम उत्तर प्रदेश बनने का, तो इसके अंदर आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, पब्लिक पश्चिम उत्तर प्रदेश की पब्लिक बिल्कुल नहीं बनने देगी, और ना ये कोई कदम कोई उठाने वाला है। सही कानून अपना काम करेगा, कानून अपने हिसाब से सुधारेगा, और कानून सुधार भी रहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आप देख भी रहे हैं कि पूरे देश में विकास का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हाईवेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही है, एम्स बन रहे हैं, तो विकास हो रहा है।
विकास होगा तो सब सुधरेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।